हेलो फ्रेंड्स, कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने के लिए तब तैयार होती है जब कंपनी का कामकाज बिल्कुल ट्रैक पर आ जाता है और बहुत सारी कमियों को दूर कर लिया जाता है। मान ले कोई कंपनी अपने स्टोर्स खोलना चाहती है तो कंपनी का पहला स्टोर पहले ही खुद को साबित कर चुका है और कंपनी पहले से ही कई स्टोर्स खोलने की प्लानिंग बना रही है। इस तरह के एम्बिशियस कैंपेन के लिए फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या वेंचर कैपिटलिस्ट की तुलना में ज्यादा पैसों की जरूरत होती है और इसे हासिल करने के लिए सबसे अच्छी जगह आप और मैं हूँ, यानी कॉमन मैन। किसी कंपनी को पब्लिक करना एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है। एक पॉलिटिशियन की लाइफ उसकी अपनी लाइफ नहीं रह जाती है और ना ही उस कंपनी की लाइफ है जो प्राइवेट से पब्लिक हो जाती है। आखिर कंपनियां शेयर मार्केट में आने की परेशानियों को क्यों झेलती हैं? क्योंकि मार्केट में लिस्ट होना उनकी पूरी कैपेसिटी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त पैसा जुटाने का सबसे अच्छा मौका है। एक कंपनी के दो इम्पोर्टेंट बर्थडेज होते हैं, एक जिस दिन उसे बनाया गया था और दूसरा जिस दिन ये मार्केट में लिस्ट होती है। इस इवेंट को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी IPO कहा जाता है। हर साल इस तरह से सैकड़ों स्टॉक पैदा होते हैं। पिछले वीडियो में हमने एप्पल कंपनी के बारे में बात की थी। एप्पल कंप्यूटर के 4.6 मिलियन शेयर ऑफरिंग एक घंटे के भीतर ही सेल हो गए थे और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ज्यादा से ज्यादा शेयरों को खरीदने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। हमेशा की तरह एमेच्योर इन्वेस्टर्स सौदे से बाहर हो गए। IPO के बाद वो मोमेंट आता है जिसका सभी को इंतजार होता है, स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की ट्रेडिंग का शुरू होना। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में एप्पल कंपनी के एग्जाम्पल से हमने इसके बिजनेस को समझा था। इस वीडियो में एप्पल के एग्जाम्पल से ही यंग एज और मिडिल एज कंपनियों के बारे में बहुत सारे इम्पोर्टेंट नॉलेज हासिल करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक कर आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी और कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्पल ने दिसंबर 1980 में नैस्डैक में लिस्टिंग से शेयर मार्केट में अपनी शुरुआत की। अब कोई भी एप्पल के स्टॉक खरीद सकता था, जिसमें वो सभी छोटे इन्वेस्टर्स भी शामिल हैं जो IPO से बाहर हो गए थे। अक्सर ऐसा होता है कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों के लिए तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक्साइटमेंट कम हो जाता है और प्राइस कम हो जाती है। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बार्गेन करने का ये एक अच्छा टाइम होता है। ट्रेडिंग के 12 महीने के बाद एप्पल का स्टॉक $22 की प्राइस से गिरकर $14 पर आ गया था। किसी कंपनी के फाउंडर्स को IPO में कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर वो अपनी हिस्सेदारी का केवल एक हिस्सा बेचते हैं। इस तरह स्टीव जॉब्स, वॉजनियाक और मार्क्यूला ने एप्पल के अपने मोस्टली स्टॉक्स खुद के पास रखे, जिससे ओपन मार्केट में ट्रेडिंग के पहले दिन के बाद ही उनकी नेटवर्थ $100 मिलियन से ज्यादा हो गई। जॉब्स और वॉजनियाक के लिए $1300 के इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर ये बुरा रिटर्न नहीं था जो सिर्फ 4 साल पहले किया गया था। ऑथर पीटर लिंच के अनुसार केवल कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही बैकयार्ड इन्वेंटर्स और स्कूल ड्रॉपआउट्स ऐसी कंपनियां शुरू कर सकते हैं जो हजारों लोगों को रोजगार देती है और सरकार को टैक्स पे करती है और दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाती है। कम्युनिस्ट कंट्रीज के सिटीजन्स को ऐसा मौका कभी नहीं मिलता। किसी कंपनी को अपने खुद के स्टॉक से केवल तभी प्रॉफिट होता है जब वो शेयर मार्केट में लिस्ट होती है। जब आप एक सेकेंड हैंड मारुति कार खरीदते हैं तो इससे मारुति को कोई प्रॉफिट नहीं होता है। इसी तरह अगर आप मारुति का एक शेयर खरीदते हैं तो भी मारुति को कुछ नहीं मिलेगा। हर वीक मारुति के लाखों शेयर बाय और सेल होते हैं और मारुति को इससे कोई प्रॉफिट नहीं होता है। शेयर मार्केट में शेयरों को इन्वेस्टर्स द्वारा खरीदा और बेचा जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे लोग एक दूसरे को पुरानी कारें बेचते हैं। पैसा सीधे एक ओनर से दूसरे के पास जाता है। केवल जब आप एक नई मारुति कार खरीदते हैं तब कंपनी को इससे कुछ मिलता है। इसी तरह जब कोई कंपनी नए स्टॉक जारी करती है तो इसे अपने स्टॉक से कुछ मिलता है। कंपनी अपने लाइफ टाइम में केवल एक बार IPO में नए स्टॉक जारी कर सकती है या इसके बाद सब्सिक्वेंट ऑफरिंग्स कर सकती है, जिन्हें सेकेंडरी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं किसी यंग कंपनी के प्रोज और कॉन्स के बारे में। द कंपनी व्हेन इट्स यंग। कोई यंग कंपनी एनर्जी, ब्राइट आइडियाज और फ्यूचर के लिए आशा से भरी हो सकती है। इस तरह की कंपनियां एक्सपेक्टेशंस में ज्यादा और एक्सपीरियंस में कम होती है। उनके पास वो कैश होता है जो IPO में जुटाया गया है, इसलिए ज्यादा चांसेस हैं कि उसे इस टाइम अपने बिलों का पे करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये ओरिजिनल कैश खत्म होने से पहले आगे बढ़ने की उम्मीद करती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है।
अपने शुरुआती सालों में कंपनी का एग्जिस्टेंस श्योर नहीं है। बहुत सी बुरी चीजें हो सकती हैं। ये किसी प्रोडक्ट के लिए एक अच्छा आइडिया हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और स्टोर में भेजने से पहले उनका सारा पैसा खर्च हो सकता है। यह हो सकता है कंपनी पर उन लोगों द्वारा कोर्ट केस चलाया जाए जो कहते हैं कि कंपनी ने उनका आइडिया चुरा लिया है। अगर ये कोर्ट में प्रूव हो जाता है तो कंपनी को लाखों डॉलर का पेमेंट करने के लिए मजबूर किया जा सकता है जो उसके पास नहीं है। या हो सकता है कि ग्रेट आइडिया एक ग्रेट प्रोडक्ट ना बन पाए और ऑफिशियल टेस्ट में फेल हो जाए और इसे देश में बेचा ही ना जा सके। या हो सकता है कि कोई दूसरी कंपनी और भी ग्रेटर प्रोडक्ट ले आए जो काम को बेहतर या सस्ता या दोनों करता हो। इंडस्ट्रीज में जहां कंपटीशन भयंकर है, कंपनियां हर समय एक दूसरे से टकराती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एक अच्छा एग्जाम्पल है। सिंगापुर में एक लैब में कुछ जीनियस एक बेहतर रिले स्विच को इन्वेंट करते हैं और 6 महीने बाद ये बाजार में है। अन्य मैन्युफैक्चरर्स पुराने रिले स्विच ही बनाते हैं जिन्हें अब कोई पसंद नहीं करता है। ये देखना आसान है कि हर साल नए बिजनेस में आधे से ज्यादा 5 साल के भीतर क्यों खत्म हो जाते हैं और कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा दिवालिया क्यों होते हैं। जब कंपनी नई होती है तो वो सबसे हाई रिस्क में होती है। जिन लोगों के पास नई कंपनियों के शेयर होते हैं उन्हें कंपनी की प्रोग्रेस पर पूरा ध्यान देना होता है। आप किसी नई कंपनी के स्टॉक खरीद कर उसे भूलने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। इस तरह की कंपनियां अक्सर अनिश्चित स्थिति में होती हैं जहां एक गलत कदम उन्हें दिवालिया और बिजनेस से बाहर कर सकता है। उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का आकलन करना स्पेशली इम्पोर्टेंट है। यंग कंपनीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास कैश की कमी है। जब लोग छुट्टी पर जाते हैं तो वो जरूरत से दुगने कपड़े और जरूरत से आधे पैसे लेने की आदत रखते हैं। यंग कंपनीज पैसे के बारे में यही गलती करती है, वो बहुत कम से शुरू करते हैं। अब यंग कंपनी के प्रोस की बात करें तो ये स्क्रैच से शुरू होकर एक यंग कंपनी बहुत तेजी से बढ़ सकती है और इसमें सभी दिशाओं में एक्सपैंड करने की बहुत जगह होती है। यही कारण है कि आगे बढ़ने वाली यंग कंपनीज मिडिल एज कंपनीज को पीछे छोड़ सकती हैं। अब बात करते हैं द कंपनी इन मिडिल एज। मिडिल एज तक पहुंचने वाली कंपनियां यंग कंपनीज की तुलना में ज्यादा स्टेबल होती हैं। उन्होंने अपने लिए एक नाम बनाया है और उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है। उनके पास एक अच्छा बिजनेस चल रहा है, वरना वो यहां तक नहीं पहुंच पाते। उनके पास रिलायबिलिटी का एक रिकॉर्ड है और ज्यादा चांसेस हैं कि उनके पास बैंक में पैसा है और उन्होंने बैंकर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप किए हैं जो ज्यादा लोन लेने की जरूरत होने पर काम आता है। दूसरे शब्दों में वो एक कंफर्टेबल रूटीन में बस गए हैं। वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं लेकिन पहले की तरह तेजी से नहीं। उन्हें शेप में बने रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे कि हम में से बाकी लोग करते हैं जब हम मिडिल एज तक पहुंचते हैं। अगर वो खुद को बहुत ज्यादा रिलैक्स करने की परमिशन देते हैं तो लर्नर एंड मीनर कॉम्पिटिटर्स उन्हें चैलेंज देने के लिए साथ आएंगे। एक कंपनी के पास एक इंसान के जैसा मिड लाइफ क्राइसिस हो सकता है। कंपनी जो कुछ भी कर रही है वो अब काम नहीं कर रहा है। वो पुरानी रूटीन को छोड़ देती है और एक नई पहचान की तलाश में इधर उधर भागती है। इस तरह का क्राइसिस आए दिन होता रहता है। ये एप्पल के साथ भी हुआ। 1980 के अंत में एप्पल के पब्लिक होने के ठीक बाद एप्पल 3 का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया था। कंपनी में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई थी जिन पर कंपनी काम भी कर रही थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंज्यूमर्स का एप्पल 3 पर से विश्वास उठ गया था। उनका पूरी कंपनी पर ही विश्वास नहीं रहा। किसी बिजनेस के लिए उसकी रेपुटेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। एक रेस्टोरेंट 100 साल पुराना हो सकता है और अवार्ड से भरी एक दीवार हो सकती है, लेकिन उसके लिए केवल फूड पॉइजनिंग या नए शेफ का एक मामला होता है जो उसे बर्बाद कर सकता है और 100 साल की सक्सेस खिड़की से बाहर चली जाती है। इसलिए एप्पल 3 की विफलता से उभरने के लिए एप्पल को तेजी से काम करना पड़ा। हेड फ्रंट ऑफिस में कई एग्जीक्यूटिव्स को डिमोट किया गया। कंपनी ने नए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स डेवलप किए, यूरोप में ऑफिस खोले, अपने कुछ कंप्यूटरों में हार्ड डिस्क इंस्टॉल की। इन सब से प्लस साइड ये रही कि एप्पल के 1982 में एनुअल सेल $1 बिलियन तक पहुंच गए, लेकिन माइनस साइड भी थी। ये अपने मेन राइवल IBM से बिजनेस खो रही थी। IBM एप्पल के पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में कटौती कर रहा था। एप्पल जो सबसे अच्छा जानता था उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय एप्पल ने IBM के क्षेत्र बिजनेस कंप्यूटर्स में कटौती करके वापस लड़ने की कोशिश की। इसने लीसा बनाया, एक अट्रैक्टिव मशीन जो एक नए गैजेट माउस के साथ आई, लेकिन माउस के बावजूद लीसा नहीं बिका। एप्पल की कमाई में गिरावट आई और इसी तरह स्टॉक के प्राइस में एक साल में 50% की गिरावट आई। एप्पल 10 साल से कम पुराना था, लेकिन उसके पास मुश्किल मिड लाइफ क्राइसिस थी। इन्वेस्टर्स निराश थे और कंपनी का मैनेजमेंट इसकी गर्मी महसूस कर रहा था। एम्प्लॉयज घबरा गए और दूसरी नौकरी तलाशने लगे।
एप्पल के प्रेसिडेंट माइक मार्क्यूला ने रिजाइन दे दिया। इस बीच पेप्सी के को फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन स्कली को बचाव प्रयास के लिए लाया गया। स्कली कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन वो मार्केटिंग जानते थे और मार्केटिंग की ही एप्पल को जरूरत थी। एप्पल को दो डिविजन्स लीसा और मैकिंटोश में स्प्लिट किया गया था। मैकिंटोश के पास लीसा जैसा एक माउस था और अन्य मामलों में समान था, लेकिन इसकी प्राइस बहुत कम थी और इसका इस्तेमाल करना आसान था। जल्द ही कंपनी ने लीसा को छोड़ दिया और अपने सभी रिसोर्सेस को मैकिंटोश में डाल दिया। कंपनी ने टीवी एड्स में एक इनक्रेडिबल ऑफर दिया, कोई भी 24 घंटे के लिए मैकिंटोश को फ्री में घर ले जा सकता था। एप्पल ने 3 महीनों में 70,000 मैकिंटोश बेच दिए। कंपनी इस बेहतरीन न्यू प्रोडक्ट के साथ पटरी पर लौट आई है, लेकिन ऑफिस में अभी भी उथल पुथल थी और स्टीव जॉब्स की स्कली के साथ अनबन हो गई थी। इस कारण जॉब्स को अपनी ही बनाई कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। कोई अपनी बनाई हुई कंपनी से ही कैसे निकाला जा सकता है, ये कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी का एक और दिलचस्प पहलू है। एक बार जब शेयर पब्लिक के हाथों में होते हैं तो कंपनी के फाउंडर को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है। स्कली ने कुछ चीजों को और बदल दिया और कुछ और प्रॉब्लम्स को लॉन्च किया। मैकिंटोश ने वही किया जो लीसा को करना था, ये बिजनेस क्राउड के साथ खड़ा हो गया। नए सॉफ्टवेयर ने कंप्यूटर के नेटवर्क में एक मैकिंटोश को दूसरे से लिंक करना आसान बना दिया है। 1988 तक 10 लाख से अधिक मैकिंटोश बेचे जा चुके थे। एक कंपनी का मिड लाइफ क्राइसिस इन्वेस्टर्स को परेशानी में डालता है। यदि स्टॉक पहले ही प्राइस में गिर चुका है तो इन्वेस्टर्स को ये तय करना होगा कि इसे बेचना है जिससे बड़े नुकसान से बचा जा सके, या इसे बनाए रखना है और उम्मीद करें कि कंपनी वापसी कर सकती है। अंत में ये देखना आसान है कि एप्पल ठीक हो गया, लेकिन क्राइसिस के टाइम रिकवरी अश्योर नहीं थी। ये बातें मैंने आपको लर्न टू अर्न बुक से बताई है, जो डिटेल में सिखाते हैं कि हम शेयर मार्केट में कैसे पैसा कमा सकते हैं, वो भी लाइफ को एंजॉय करके। सो आप ये सारी बातें सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बुक खरीद सकते हो। और अगर आप इसी बुक पर अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और हमसे जुड़ने के लिए एफर्टलेस जीके को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ीरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।